25 जनवरी है और यह पुलिस का एक तरह से जन्मदिन है। 1994 को आज के दिन पुलिस की गतिविधियां आरंभ हुई थी। पटना में पहली गतिविधि तब पटना के सांस्कृतिक जगत में बहुत ज्यादा सक्रिय ब्रिटिश लाइब्रेरी बैंक रोड में हुआ करती थी। उस ब्रिटिश लाइब्रेरी में वह गोष्ठी हुई थी और आज हम 30 साल बाद यानी यह 30वां साल पुनश्चक्र पूरा हुआ है। आज हम उसके जन्मदिन पर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यादवेंद्र जी को, उनके द्वारा अनुदित आज की फिलिस्तीनी कविताओं के संकलन घर लौटने का सपना के प्रकाशन के मौके पर। और इसकी कविताएं आप पढ़ेंगे और इसके साथ जैसा विनोद जी ने बताया कि कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, इसमें फिलिस्तीन के 35 कवियों की 84 कविताओं का अनुवाद हम 5 लोगों ने किया है। यादवेंद्र जी, अशोक वाजपेयी, नीलेश त्यागी, ऋचा नागर और मैंने। कविता का काम घर लौटने का सपना को देखकर आप जान सकते हैं कि यादवेंद्र जी बहुत लंबे वक्त से फिलिस्तीनी कविताओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, इस संकलन का ख्याल दिमाग में क्यों आया? इसका ख्याल आया 8 अक्टूबर के बाद, पिछले साल 8 अक्टूबर के बाद, जब गाजा पट्टी और पश्चिमी तट पर इज़राइल की बमबारी शुरू हुई और अनवरत चलती रही। अभी वह बमबारी चल रही है, खूनेजी चल रही है, तकरीबन 30,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 70% बच्चे और औरतें और बूढ़े हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। ऐसा अंदाज किया जाता है कि गाजा पट्टी के 70-80% मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। गाजा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सारे विश्वविद्यालयों को इज़राइल ने जमींदोज कर दिया है। गाजा में ऐतिहासिक महत्व की मस्जिदें जो दुनिया के सबसे पुरानी मस्जिद है और दुनिया के सबसे पुराने गिरजाघर गाजा में हुआ करते थे, इज़राइल ने उनको भी जमींदोज कर दिया है। गाजा में जो पुरातात्विक महत्व की और ऐतिहासिक महत्व की इमारतें और दूसरी जगहें थी, इज़राइल ने उन्हें भी अपनी बमबारी में जमींदोज कर दिया। सरकार के मंत्रियों के बयान आप देख सकते हैं, जिन बयानों में उन्होंने कहा, उन्होंने अपना इरादा साफ किया है। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों से पूरी तरह खाली हो जाए। आज ही मैं बयान पढ़ रहा था इसराइल के एक मंत्री का, इसमें उन्होंने बहुत साफ किया है कि उनका इरादा फिलिस्तीनियों के वॉलेंट्री माइग्रेशन को बढ़ावा देने का है, जिसका मतलब है जोर जबरदस्ती से, उन्होंने स्पष्ट किया है, जोर जबरदस्ती करके उनको गाजा पट्टी से निकाल देना, जिससे पूरी की पूरी गाजा पट्टी इसराइल के लिए हासिल हो जाए। इसका बहाना 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के करीब जो किबुत्स हैं उन किबुत्स पर हमस के हमले को बनाया गया। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से निकलकर हमस के लड़ाकों ने करीब के किबुत्स पर हमला किया और वहां से कई लोगों को, 234 के आसपास लोगों को वे अपने साथ बंधक के रूप में गाजा पट्टी में ले गए। उसमें शुरुआती खबरें आई कि 1400 लोग मारे गए हैं,
उसके बाद इसराइल ने उस संख्या को घटाया और कहा कि 1200 लोग मारे गए हैं। यह कहा गया कि हमस का यह हमला हॉलोकॉस्ट के बाद का सबसे बड़ा जनसंख्या यहूदियों का था। इस रूप में इसको पेश किया, कहा गया कि यह हॉलोकॉस्ट के बाद का सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट था और इसलिए इसकी गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता। इस पर हम कुछ देर बाद बात करेंगे। और यह बहाना लेकर इसराइल ने 7 अक्टूबर की रात से ही बल्कि 8 अक्टूबर की सुबह से गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू की और यह बमबारी अंधाधुंध थी। इसराइल का कहना यह था कि वह हमस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमस गाजा पट्टी में नागरिकों के पीछे छिपा हुआ है, इसलिए उसकी मजबूरी यह है कि वह लोगों को मारे। इसराइल के इस तर्क को अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने दोहराया और कहा कि बेचारा इसराइल क्या कर सकता है, उसे तो हमस को खत्म करना है क्योंकि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। आखिरकार उस पर हमला हुआ है, उस हमले में इसराइल के लोग मारे गए हैं और इसराइल को हमस से अपनी रक्षा करनी है, इसलिए उसे हमस को खत्म करना ही होगा और अगर उस रास्ते में लोग आ रहे हैं तो वे लोग मारे ही जाएंगे। यह हमला चलता रहा। यह बहाना लिया गया कि गाजा पट्टी में जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के नीचे हमस काम कर रहा है और उन अस्पतालों के अंदर उसने हथियार छिपाए हुए हैं, इसलिए उन अस्पतालों को भी नष्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने जो नाम लिए जिनको इसराइल ने तबाह किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब गाजा पट्टी में शायद ही कोई अस्पताल काम कर रहा है पूरी तरह से। गाजा पट्टी में सारे अस्पतालों को इसराइल ने निशाना बनाया है और बर्बाद कर दिया है। इसराइल अब गाजा पट्टी में कोई 10 अस्पताल ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इसराइल का यह बहाना कि वह आत्मरक्षा कर रहा है और इस आत्मरक्षा में उसको कितनी भी दूर जाने का अधिकार है, इस बहाने को जैसा मैंने बताया दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उन महाशक्तियों ने अपनी तरफ से दोहराया। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहली बार प्रस्ताव आया कि इसराइल को अपना यह हमला रोकना चाहिए तो उस प्रस्ताव को वीटो किया अमेरिका ने और उसमें उसका साथ दिया इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देशों ने। यह बार बार कहा गया दुनिया के सारे देशों के द्वारा और हमारे देश भारत ने भी जो सबसे पहला बयान जारी किया वह बयान था कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और इसराइल पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ भारत उसके साथ है। लेकिन इसराइल के लोगों ने भी कहा, इसराइल के इतिहासकारों ने, इसराइल के पत्रकारों ने, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको गिडियन लेवी को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए जो हारेत्स नाम के अखबार में लिखते हैं। दूसरी पत्रकार है आमिरा हास, जिनको पढ़ना चाहिए। ये यहूदी हैं और ये इसराइली हैं। तीसरे इतिहासकार हैं इलान पैपे, जो इसराइली हैं और यहूदी हैं। वे खुद इसराइल के बारे में क्या कहते हैं और फिलिस्तीन के बारे में क्या कहते हैं यह जानने के लिए यहूदी इसराइली इलान पैपे को पढ़ना चाहिए। तो इसराइल अपने आत्मरक्षा के नाम पर 8 अक्टूबर से गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। आज हम जब यहां खड़े हैं तो यह अंदाज किया जाता है कोई 30,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमें नहीं पता है कि कितने हजार अभी मलबे के नीचे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी गाजा पट्टी एक तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। हमें नहीं पता है कि कितने बच्चे उस मलबे के नीचे हैं। यह अनुमान किया जाता है कि गाजा पट्टी में कोई 2,500 परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए, यानी उन परिवारों में अब कोई नाम लेवा नहीं बचा। उस परिवार उन परिवारों का एक एक व्यक्ति मारा जा चुका है, जिसको आप निर्वंश कर देना कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसराइल ने
ऐसे तकरीबन 2500 परिवारों को निर्वंश कर दिया जिनका कोई नाम निवाब नहीं था। ऐसे हजारों बच्चे गाजा पट्टी में हैं जिनका या तो हाथ जा चुका है या पांव जा चुका है या दोनों हाथ जा चुके हैं और दोनों पांव जा चुके हैं। ऐसी बच्चियां हैं और ऐसे बच्चे हैं जो तुरंत पैदा हुए हैं लेकिन उनका हाथ और पांव इसराइल की बमबारी में उड़ चुका है या उनकी आंख खत्म हो गई है या कुछ और हो चुका है लेकिन इसराइल की बमबारी नहीं हुई। और इसराइल इसको आत्मरक्षा के नाम पर जायज ठहरा रहा है और अमेरिका इसराइल को लगातार जहाजों हथियारों और पैसे से मदद कर रहा है और जर्मनी भी। इलान पैर पे गिडियन लेवी आमिर अब्बास और हारिस के बाकी जो पत्रकार हैं और जो यहूदी बुद्धिजीवी वे सब कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमस का जो हमला हुआ उस हमले का एक संदर्भ है, उस संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। वह संदर्भ यह है कि गाजा पट्टी एक तरह से पिछले 2 दशकों में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल। वह एक ऐसी जेल है, खुली जेल, जिसमें अंदर क्या जाएगा और अंदर से बाहर क्या आएगा इसको इसराइल तय करता है। अंदर कौन सी दवा जाएगी, अंदर किसी दिन दूध जाएगा कि नहीं, यह इसराइल तय करता है। किस दिन गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों को कितना कैलोरी खाना मिलना चाहिए यह इसराइल तय करता है। यह एक तरह की खुली जेल है और इन सब का यह कहना है कि अगर मैं 20 साल से इस जेल में रह रहा हूं तो मेरा मन इस जेल को तोड़कर निकलने का होगा। और दूसरी बात यह है कि जिन किबुत्स पर हमला हुआ वो सारे के सारे किबुत्स दरअसल फिलिस्तीनियों को बेदखल करके बनाए गए हैं, यानी वे सारे किबुत्स दरअसल फिलिस्तीनियों की जमीन जिन पर फिलिस्तीनी रहते थे। और आज से 75 साल पहले 1948 को यूरोप से आए हुए यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर हमला करके उन्हें उनके ही घरों और उन्हीं की जमीनों से बेदखल किया और उन्हें ढकेल के गाजा पट्टी में शरणार्थी बनाया और अब उस गाजा पट्टी को भी एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। गाजा पट्टी के अलावा पश्चिमी तट है वेस्ट बैंक। अगर उस वेस्ट बैंक की कहानी कही जाए तो उस वेस्ट बैंक में पिछले 75 सालों से यहूदी पोलैंड से, हंगरी से, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, भारत से और दूसरे देशों से वहां वे फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकालते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं और वहां सेटलमेंट्स बनाते हैं, उनको सेटलर्स कहते हैं। आप इसका अनुमान कीजिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं, अचानक आपका दरवाजा खटखटाया जाता है रात को और आपसे कहा जाता है ये मेरा घर है और आप हैरान रह जाते हैं कि लेकिन इसमें तो मेरे नाना भी रहते थे और मेरी दादी भी रहती थी। और आपको कहा जाता है कि नहीं, 3000 साल पहले हमारे पुरखे यहां रहते थे और मेरी पवित्र किताब में लिखा हुआ है कि ये जमीन हमारी जमीन है, इसलिए मेरा घर है, तुम यहां से निकलो और अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आज जो ब्रुकलिन में रह रहा है अमेरिका में एक यहूदी या आज जो फिलाडेल्फिया में रह रहा है वो उड़कर इसराइल पहुंचता है, वेस्ट बैंक जाता है, किसी का दरवाजा खटखटाता है और उसको उसके घर से निकालता है और वहां अपने आप को सेटल कर। अगर आप वेस्ट बैंक जाएंगे तो वेस्ट बैंक में लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के आश्चर्यों में एक आश्चर्य चीन की दीवार को माना जाता है, लेकिन वेस्ट बैंक में इसराइलियों ने और ज़ायनिस्ट ने जो दीवार बनाई है खुद को फिलिस्तीनियों से अलग करने के लिए वो दीवार भी एक अजूबा है और उसको देखना चाहिए। इसराइल दक्षिण अफ्रीका के बाद अभी का एकमात्र जीवित नस्ल भेदी देश है
यानी इसराइल के भीतर भी रहने वाले अरब मुसलमानों और अरब ईसाई, सिर्फ मुसलमान नहीं, अरब ईसाइयों को यहूदियों से कम अधिकार है। इसराइल में, इसराइल के संविधान में यह बात लिखी हुई है कि दुनिया का कोई भी यहूदी कहीं भी रह रहा हो, वह इसराइल अगर पहुंचेगा हवाई अड्डे पर उसे इसराइल की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिलिस्तीन में पैदा हुआ, या मैं जैसे इसराइल कह रहा हूं, वह दरअसल 75 साल पहले फिलिस्तीन था। उस फिलिस्तीन पर इसराइल को थोप दिया गया यूरोपीय लोगों के द्वारा। और क्यों, उसकी कहानी आप सब जानते हैं, क्योंकि यूरोप में हिटलर ने जो यहूदियों का संहार किया, उसके बाद यहूदियों को जहाज में बिठाकर फिलिस्तीन रवाना कर दिया गया और उनसे कहा गया ये तुम्हारी जगह है। और उसके भी पहले 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बेलफोर साहब ने एक मैन डिक्लेरेशन जारी किया, जिस डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि फिलिस्तीन में इसराइल नाम की एक जगह बनाई जाएगी, यानी यहूदियों का एक देश बनाया जाएगा। तो यह सब कुछ जो तय किया गया कि फिलिस्तीन में यहूदियों का देश बनाया जाएगा, यह ब्रिटेन ने तय किया और यूरोप के देशों ने तय किया। और उन्होंने यूरोप में रहने वाले यहूदियों को वहां से बेदखल करके फिलिस्तीन भेजा, और उन यहूदियों ने फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियों को बेदखल करके अपनी जगह बनाई। 75 साल पहले 1948 को जो हुआ उसे फिलिस्तीनी नकबा के नाम से याद करते हैं, यानी महाविपदा। वह नकबा फिलिस्तीनियों के लिए कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 75 साल में फिलिस्तीनियों का जनसंहार धारावाहिक रूप से जारी है। और अब लाखों फिलिस्तीनी दुनिया के दूसरे देशों में जलावतन है, अलग अलग देशों में। यह कहानी बहुत लंबी है और बहुत दर्दनाक, और इस कहानी को आप फिलिस्तीन की कविताओं में पढ़ सकते। फिलिस्तीन एक मुल्क है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि फिलिस्तीन एक मुल्क है यह कहना यूरोप में और अमेरिका में आज जुर्म है। यूरोप और अमेरिका में अगर आप कहेंगे कि फिलिस्तीन एक मुल्क है और फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में रहने का हक है, तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपका आर्ट एग्जीबिशन कैंसिल किया जा सकता है, आपका पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। अगर आप छात्र हैं तो आगे नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम हो जा सकती है। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में वैसे तमाम लोगों को दंडित किया जा रहा है जो फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, वे अध्यापक भी हैं और वे छात्र भी हैं। जर्मनी में इस पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए बात करें। इंग्लैंड में सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि आप फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते। यही बात फ्रांस में, ये सारे वैसे देश हैं जो अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ध्वजा ऊपर रखने के गर्व वाला देश कहते हैं, और इन देशों में आज आप फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते। जर्मनी एक कानून बनाने जा रहा है, बल्कि उसने वो कानून बना लिया है कि अगर आपको जर्मनी की नागरिकता चाहिए तो आपको यह देना पड़ेगा लिखकर कि आप इसराइल की आलोचना कभी नहीं करेंगे। ये जर्मनी कानून बना। इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे तमाम जगहों पर सरकारें इस तरह का फरमान जारी करें। इसके बावजूद 8 अक्टूबर से हमने अमेरिका, यूरोप और दूसरे मुल्कों में लाखों लाख लोगों को सड़कों पर उतरते हुए देखा है। वे खतरा उठाकर अपने सरकारी हुक्मों के बावजूद और उसके खिलाफ वे लगातार सड़कों पर हैं, और वे इसराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं और इसराइल से जंगबंदी की मांग कर रहे हैं। उनकी सरकारें नहीं कर रही, लेकिन वे कर रहे हैं। हमारे भारत में क्या हो रहा है? हमारे भारत में इसे लेकर पूरी तरह खामोशी है। ये उस मुल्क में है जो दुनिया के
उन मुल्कों का अगुआ था जिन्होंने फिलिस्तीनियों के अपने अधिकार को, अपने देश के अधिकार को सबसे पहले स्वीकार किया। उस देश में पूरी तरह खामोशी है, कैंपस खामोश, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह खामोश। हमारे यहां भी IIT मुंबई में, जिंदल यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में जब वहां के छात्रों और अध्यापकों ने इस तरह की गोष्ठी करने की कोशिश की तो उन्हें नोटिस दी गई, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई और इस तरह की गोष्ठियों को नहीं होने दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घोषित करके इस तरह की गोष्ठियां करना असंभव है और दूसरे विश्वविद्यालयों में। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, हम सारे लोग जो भाषा और साहित्य की दुनिया में काम करते हैं, हमने अपना यह फर्ज समझा कि जिस वक्त दुनिया की जो सबसे ताकतवर सत्ताएं हैं वे सत्ताएं फिलिस्तीन लफ्ज को गैर कानूनी ठहरा रही हैं, उस वक्त हम फिलिस्तीनी स्वर को अपनी भाषा में, हमारा फर्ज एक तरह का वाहक बनने का है। हम एक तरह से फिलिस्तीनी स्वर को अपने देश में और अपनी भाषा में फैलाना चाहते हैं, इसे हमने अपना फर्ज समझा। और इसलिए भी कि जैसे अरविंद जी से अभी हमारी बात हो रही थी कि हम सब बड़े ही हुए हैं नाज़िम हिकमत और महमूद दरवेश की कविताओं पर, उनके शब्दों पर, तो एक प्रकार से यह हमारे ऊपर उनका कर्ज भी है। हम जो हैं वो महमूद दरवेश के बनाए, उसकी अदायगी कैसे की जाए और अपनी भाषा में इंसाफ की बात कैसे की जाए। ऐसा वक्त आता है इतिहास में जब इंसाफ की कसौटी तय होती है और यह तय होता है कि यह एक विषय है जिस विषय पर आपका रुख तय करेगा कि आप इंसाफ की तरफ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं। यह सरकारों के लिए भी होता है, यह लोगों के लिए भी होता है। हम ये कह सकते हैं कि इस कसौटी पर दुनिया की ज्यादातर सरकारें खोटी साबित हुई हैं, खासकर जिन सरकारों का मैंने नाम लिया, लेकिन दुनिया के लोग इस कसौटी पर खरे साबित हुए। यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि अक्टूबर से आज तक इन शहरों के लोग थके नहीं, वे प्रायः हर हफ्ते उतनी ही बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई थकान नहीं। आज यह भी कहना जरूरी है जब हम यहां खड़े हैं कि दुनिया की सरकारों को जो अपना फर्ज निभाना चाहिए था उसका नेतृत्व किया दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दायर किया और उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है जनसंहार के खिलाफ, जेनोसाइड के खिलाफ, उस समझौते के तहत जिन राष्ट्रों ने भी उस समझौते पर दस्तखत किया है, यह उनका फर्ज है कि दुनिया में अगर कहीं भी जनसंहार हो रहा हो तो वे उस जनसंहार को रोके, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी जनसंहार हो रहा है तो उस समझौते पर जिसने दस्तखत किया है उसके अधिकार को चोट पहुंच रही है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका इस मुकदमे के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया कि इजराइल फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है और इजराइल को यह जनसंहार करने से रोकना चाहिए, कोर्ट ऐसा आदेश जारी करे कि वह यह जनसंहार रोके। इस मुकदमे के बारे में तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं यह बहुत ही पेचीदा मसला है, क्योंकि इसमें यह साबित करना था कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जेनोसाइड के पैमाने हैं, और दूसरा यह कि इजराइल को अपना हमला फौरन रोक देना चाहिए। इसके बहुत सारे तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय कानून के पेचीदगियां हैं और उनमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने जो मुकदमा पेश किया है वह YouTube पर मौजूद है,
और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन कविताओं को पढ़ने के साथ आप मेहरबानी करके YouTube पर जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका के वकीलों की दलील को सुने। वे दलीलें इतिहास में दर्ज होंगी और हो गई। अभी इसको रख दीजिए प्लीज। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया उसमें उसने इसराइल को यह निर्देश दिया है कि वह फिलिस्तीनियों का जनसंहार न हो, इसके लिए सारे कदम उठाए। ये जनसंहार है कि नहीं है, जेनोसाइड है कि नहीं है, यह अभी तय होगा। और इसलिए उसने इसराइल को यह भी निर्देश दिया है कि वह उन सारे सबूतों को बचा कर रखे जिन सबूतों की जांच से तय होगा यह जेनोसाइड है कि नहीं। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने कहा कि यह जेनोसाइड है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप इसराइल के प्रधानमंत्री का बयान देख सकते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का बयान देख सकते हैं। नेतन्याहू ने यह बिल्कुल साफ कहा कि हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, और इसलिए उनको हम खत्म कर रहे हैं। और यह बाइबल की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम अमलेक को पूरी तरह से खत्म कर देना है। अमलेक यानी फिलिस्तीन के लोग, उनको समूल नष्ट कर देना। इसराइल के मंत्रियों ने कहा कि गाजा पट्टी को हम फुटबॉल का मैदान बना देना चाहते हैं। दूसरे मंत्री ने कहा कि हम इसे पार्किंग लॉट बना देना चाहते हैं। और मैंने शुरू में आपको बताया कि एक मंत्री ने कहा कि हम यहां से हर फिलिस्तीनी को यहां से निकाल देना चाहते हैं। ये सब के सब वे इरादे हैं, क्योंकि जेनोसाइड में जो लोग मारे गए हैं उनकी संख्या कितनी है यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह साबित करना है कि इरादा दरअसल नस्ल कुशी का है या जनसंहार का है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी तरफ से दलील पेश की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि इसराइल को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि यह जनसंहार ना हो। इसका मतलब यही है कि इसराइल को अपना हमला रोकना चाहिए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इसराइल के इस हमले में बाकी जो देश उसका साथ दे रहे हैं वह उन्हें भी नोट कर रहा है, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और बाकी तमाम देशों की जो आर्थिक मदद है और हथियारों की मदद है उसको भी नोट किया गया। इस प्रसंग में हम कहां हैं, यानी भारत, भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ है या नहीं? हमें मालूम है कि भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों ने दक्षिण अफ्रीका के इस मुकदमे का समर्थन किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत किया, भारत ने कोई बयान नहीं दिया। भारत इसराइल की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? भारत इसराइल की मदद इस तरह से कर रहा है कि इसराइल की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसराइल ने 8 अक्टूबर से ही तेल अवीव और इसराइल के दूसरे इलाकों में जो फिलिस्तीनी काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन सबको काम से निकाल दिया, हजारों फिलिस्तीनी। और उसके बाद उसने हिंदुस्तान से कहा कि वो इन मजदूरों के बदले यहां से मजदूर भेजे, 1,00,000 मजदूर। भारत की सरकार ने क्या किया? भारत की सरकार ने मजदूरों की भर्ती शुरू की, यानी इसराइल की अर्थव्यवस्था बनी रहे, उसके बाजुओं में ताकत बनी रहे जिससे वह फिलिस्तीनी बच्चों को मार सके, इसके लिए हिंदुस्तान अपनी तरफ से फौजी मजदूर भेज रहा है जो इसराइल की मशीन में तेल का काम करेंगे, उसके पुर्जे को चलाते रहेंगे। तो हिंदुस्तान अब दुनिया के उन मुल्कों के साथ नहीं है जो अत्याचार के खिलाफ हैं, जो नाइंसाफी के खिलाफ हैं, जो खुद मुख्तारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान अब उन मुल्कों का एक तरह से पिछलग्गू बन गया है जो हिंसा में विश्वास करते हैं और जो दुनिया पर चालाकी से और दूसरे तरीकों से किसी न किसी प्रकार कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं।
हिंदुस्तान अब उन मुल्कों में शरीक होना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, नागरिकों के तौर पर, हम किसी राष्ट्र के नागरिक हों, किसी देश के नागरिक हैं, या हम दुनिया के उन तमाम लोगों के साथ आवाज मिलाने की कोशिश करें जो इंग्लैंड के लंदन की सड़क पर हैं, या बर्लिन की सड़क पर हैं, या पेरिस की सड़क पर हैं, या फिलाडेल्फिया की सड़क पर हैं, या टोरंटो की सड़क पर हैं, या कहीं और हैं। हमें अपना फर्ज तय करना है, और जैसा मैंने कहा कि हमारी जो सीमा थी, हमारी जो ताकत थी, उसमें हमने यह तय किया कि इस किताब के माध्यम से, बल्कि इन किताबों के माध्यम से हम फिलिस्तीन की आवाज़ को हिंदी में ले जाएंगे, और हम ये कहेंगे कि फिलिस्तीन एक मुल्क है, फिलिस्तीनी लोग हैं, जिंदा लोग, जिंदा कौम है, उन सबको जिंदा रहने का, हम सब की तरह रहने का, अपने मुल्क में रहने का, अपनी मर्जी से अपने मुल्क में और अपनी जमीन में रहने का हमको हक है। सिर्फ यही बात कहने के लिए हमने ये दो किताबें जारी की हैं। कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, के प्रकाशन के समय हमने यह तय किया था कि इसके बिक्री से जो भी पैसा आएगा वह हम फिलिस्तीनियों के लिए राहत कोष में देंगे, और जो भी पैसा इसके बिक्री से आएगा, और अभी हमने यह तय किया है कि फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था काम कर रही है, यह पैसा जो भी मिले वह हम उसके कोष में देंगे, क्योंकि उस संस्था को परसों अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ने घोषणा की कि वे इस उस संस्था को आर्थिक सहायता देना बंद कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जो इसराइल की बमबारी में नहीं मारे जाएंगे वे भूखों मारे जाएंगे और दवा के बिना मारे जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई पैसा नहीं है। तो हमारा फर्ज यह है कि हम कम से कम उस संस्था को जिंदा रहें, उसमें ये बहुत ही विनम्र एक छोटा सा योगदान है। इसलिए आप सबसे अनुरोध यह होगा कि आप इस किताब को खरीदें और इस किताब की कविताओं को जितना ज़्यादा लोगों तक सुना सकें उतना अच्छा।